गुड आफ्टरनून लवली पीपल्स, की हाल चाल सारे, सात श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो गाइज, आज है गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि कल रात को हम लोग आए थे दिल्ली से लेट और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं, दक्ष और चीकू गए थे हम लोग किसी काम से, तो हम लोग बहुत लेट आए घर पर वापस। और अभी मैं भाई गाड़ी में नीचे हो रही है PPF, कुछ आपको दिखाने नज़ारे, लेट्स गो। भाई यहाँ पर भर गया था पूरा का पूरा पानी और ये भरा करा दिया भाई पूरा साफ एरिया। यहाँ पानी भर चुका था, यहाँ पानी भर चुका था, पूरा क्लीन अप करवा चुके हैं, साफ सफाई हो गई है। यहाँ खड़ी हुई है अपनी इनोवा जो कम्प्लीट है और यहाँ काम चल रहा है क्रेटा में जिसकी खुल रही है फिटिंग। ये भाई सारे डोर ग्रैप्स, ये यहाँ पड़ा हुआ है सारे का सारा कबाड़ा जो कि आज हम लोग बेच देंगे। और भाई बरसात ने तो ना इतने दिमाग इतना दिमाग खराब किया हुआ है कि रुक ही नहीं रही है भाई, रुक ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा दिमाग खराब है भाई। ये देखो भाई, इतना दिमाग खराब हो रखा है ना कि इस बारिश की वजह से कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी रोल लेने के लिए। मेरे जो रोल हैं वो ट्रांसपोर्ट पे पड़े हुए हैं, यहाँ काम चल रहा है क्रेटा में। क्रेटा भाई आज रेडी करेंगे, यहाँ से टेल लैम्प खोल चुके हैं, यहाँ से भाई बिडिंग भी उतर चुकी है, बिडिंग रखी हुई है अंदर और ये डोर हैंडल्स भी निकल चुके हैं। और मैं निकल रहा हूँ फॉर्च्यूनर लेके रोल लेने के लिए। यहाँ खड़ी हुई अपनी हिमालयन, भाई ये है ना मेरी फर्स्ट स्कूटी है, मेरी और मेरी बहन की, जिससे मैंने स्कूटी टू व्हीलर चलाना सीखा है वो। और ये अपनी हिमालयन खड़ी हुई है और यहाँ पर ये इनोवा है जो रेडी होके कंप्लीट खड़ी हुई है। बरसात के चक्कर में हम लोग डिलीवरी नहीं दे रहे, नहीं डिलीवरी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी कंप्लीट रेडी है। और यहाँ पर आज भाई ये पूरी साफ सफाई कराई है, बड़ी दिक्कत हो रखी है। अब फॉर्च्यूनर स्टार्ट करते हैं भाई। जय हो मेरे गणेश जी महाराज। 48,000 होने वाली है भाई, 48,000 दो साल नहीं हुए, 48,000 होने वाली है, मतलब 25,000 पर ईयर का मार्जिन आ रहा है भाई इसका। लेट्स गो। भाई यहाँ से ना गाड़ी रिवर्स में निकालना बहुत टेढ़ी चीज़ है, लिटरली बहुत टेढ़ी चीज़ है। बट मेरे हाथ में तो गैप बैठी हुई है, बट कोई भी आता है ना भाई उससे सीधी सीधी गाड़ी नहीं घुसती, बट मैं रिवर्स में भी निकाल लेता हूँ भाई। ये देखो भाई मार्जिन, देखो आप मार्जिन बसता ही नहीं है भाई, बसता ही नहीं है, देख रहे हो क्या भाई, अमेजिंग तरीके से निकालनी पड़ती है, बिल्कुल फिक्स आती है भाई मेरी फॉर्च्यूनर। डिफेंडर होने को कोई भी गाड़ी आ जाती है मेरे घर में, प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है क्योंकि गेट जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड कह सकते हो आप। और ये लगा हुआ है भाई अपना बैनर, स्क्रब एंड वॉश। चलो जी, अब मैं जा रहा हूँ भाई ट्रांसपोर्ट से माल उठाने के लिए। आज जो बरसात ने कायम ढाया हुआ है ना, ये देखो पानी भरा हुआ है भाई, हर जगह पानी भरा हुआ है। फाइनली गाइस गाड़ी में रोल रख के लाया हूँ भाई, एक ये वाली सीट को टिल्ट किया हुआ है, एक रोल वो रखा, दो रोल ये रखे। गाड़ी यार सीधी सी कहानी है, आज एक तरीके से आपका घर है, एक इन्वेस्टमेंट है यार, साफ सी कहानी तो ये है। आज आप गाड़ी को लेके आते हो, चलाते हो, सब कुछ करते हो भाई, उसकी केयर थोड़ी बहुत करनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं मैं तो कहता हूँ बहुत केयर करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं भाई जो लोग हैं ना 10,000 रुपये गाड़ी की ऐसी हालत कर देते हैं जैसे पता नहीं भाई 10-15 लाख किलोमीटर के आसपास ऑलमोस्ट चली हुई है। ऐसा लगता है जब गाड़ी का भाई सब इंदर ऑडियो वगैरह देखो तो ऐसा लगता है भाई सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है, 15,000 रुपये की हालत कर दी। तो काफ़ी लोग होते हैं भाई, लोग कई लोग नहीं करते हैं गाड़ी की केयर। तो मेरा सबसे यही सजेशन है यार, जो जो भी लोग अपनी गाड़ियां रखते हैं ना अपने पास भाई, गाड़ियों की केयर किया करो गाड़ियों से भाई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं गाड़ियां बहुत संभाल के रखता हूं और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ और अमेजिंग भी करेंगे गाड़ियों को लेके। अभी भाई हम जा रहे हैं घर पर क्योंकि गाड़ी में जो सामान पड़ा हुआ है घर पर हो रही है क्रेटा रेडी। तो भाई बरसात जो है ना सुबह सुबह की बहुत तंग करती है बाबू, बहुत तंग करती है। ये बातें बहुत हुई फालतू की और हमें जाना चाहिए घर पर, काम पड़े हैं बहुत सारे स्क्रब एंड वॉश के। आज का आधा दिन हम लोग कर चुके हैं समाप्त और आधे दिन के बचे कुचे को हम करेंगे अच्छे तरीके से यूज, लेट्स गो। लेकिन ना वो बहुत अमेजिंग लोगों का, बहुत अमेजिंग लोगों का, क्योंकि जो इसका कलर है ना भाई वो ऑलरेडी बहुत अमेजिंग है। ये देखो भाई इसके अंदर जो ग्रीन कलर के स्पार्कल्स है ना भाई, डेट वॉज अमेजिंग, बहुत प्यारा लुक दे रहे हैं भाई। जिस जिसने अभी है ना अगर iOS 18 अपडेट नहीं किया है तो भाई कर लो भाई, बहुत प्यारी चीज़ आई है, बहुत प्यारी चीज़ आई है, मैंने कर लिया है। और अभी मेरा जो 13 मिनी है उसमें भी मैंने अपडेट पे लगा दिया है, 4GB का अपडेट है भाई, 4GB का अपडेट, बहुत क्लासिक आया भाई अपडेट जो है ना, बहुत अमेजिंग है। कंट्रोल सेंटर चेंज कर दिया है, खास करके जितनी भी पुरानी सेटिंग्स थी जिनको दिक्कत होती थी कि भाई हम लोग आईफोन यूज़ नहीं कर सकते, हमें कॉलिंग में दिक्कत आती है, हमें नंबर सर्च करने में दिक्कत आती है, भाई अब है ना उस सब चीज़ों के सोल्यूशन आ गए iOS 18 में। तो जिस भाई ने भी अगर iOS 18 अपडेट नहीं किया है तो कर लो भाई, ये फ्री का प्रमोशनल कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग अपडेट निकाला है, बहुत अमेजिंग अपडेट। और गाड़ी पे भी भाई PPF चल रहा है, 12-1-2 बजे तक हम चलेगा भाई। आज टाइम हो चुका है शाम के 7:15 बज चुके हैं और अभी हमारी गाड़ी के ऊपर PPF का काम चल रहा है। और एज यूजुअल जैसे मैंने बताया कि ये जो PPF है
एटलीस्ट कम से कम 12 बजे तो छोड़ो, कम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 बजे तक तो आज काम चलेगा ही चलेगा गाड़ी में, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग इसकी फिनिशिंग का हम लोग देखेंगे। फिनिशिंग करने के बाद इस गाड़ी को वापस से पैक करेंगे, जो भी हम लोग फिटिंग ओपन करते हैं वो फिटिंग हमें वापस लगानी होती है। भाई गाड़ी फ्री हो जाएगी, देन उसके बाद हम लोग गाड़ी डिलीवर्ड कर देंगे। देखते हैं, शायद कस्टमर अगर कल ही आ जाएगा तो कल गाड़ी वापस दे देंगे, नहीं तो हम लोग परसों गाड़ी को वापस दे ही देंगे। आज का जो अपडेट है, अपडेट ये है कि इस व्लॉग को मैं ना यहीं पर एंड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत छोटे मोटे ऐसे काम पड़े हैं जो शायद मेरे को बहुत जल्दबाजी में करने हैं, जो मैं नहीं दिखा पाऊंगा शायद आप। बट मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वॉक करते करते मैं आ गया था नीचे, और आई नो ये व्लॉग खत्म हो चुका था, मैंने फिर से आपको वापस से इस व्लॉग में बुला लिया। अभी मैं आया था एक्चुअली वॉक करके बाहर से, तो सोचा मैंने कहा एक बार गाड़ी देख के आते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो गाइस अभी गाड़ी है ना ऑलमोस्ट क्या पूरी पीपीएफ हो चुकी है, ये देखो पूरा बॉनेट पीपीएफ हो चुका है, साइड फेंडर्स पीपीएफ हो चुके हैं पूरी गाड़ी। अब देखो इसकी शाइन कैसी निकल के आ रहा है, आपको खुद को फ़र्क दिख रहा होगा। और ये जो है भाई बहुत प्यारी गाड़ी कम्प्लीट हुई है, एंड देन इसके बाद हम लोगों का काम रह चुका है। ये देखो भाई क्या कम्प्लीट लग रही है गाड़ी, भाई एकदम बिल्कुल डिफरेंट लुक निकल के आ चुका है इस गाड़ी का पूरा। लुक एट दिस, सीरियसली भाई बहुत अच्छा लुक निकल गया है। सुबह का वेट है इसकी, अब जो ये है फिनिशिंग वगैरह हो जाएगी यहाँ से डोर एज की, एंड में हीट गन वगैरह लगेगी, ऊपर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, पीपीएफ पीछे भी हो चुका है, बस अब दो बम्पर रह गए। यहाँ से देखो पूरी गाड़ी देख लो राइट, और अब इसमें देखो फ़र्क है या नहीं, ये देखो इसकी शाइनिंग देखो और इसकी शाइनिंग देखो, थोड़ा क्या बहुत फ़र्क है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो उसके देखो एक एक अंदर के ग्लिटर बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, इसके दिख रहे हैं बट इतना नहीं दिख रहे हैं। ये देखो भाई इसकी देखो और इसकी देखो फर्क। तो भाई ये सुबह तक कंप्लीट गाड़ी रेडी हो जाएगी, और दोनों भाई भाई फुल पावर रात ही रात में लगे पड़े। सॉरी भाई अब डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, और मैं वापस सिर्फ इसलिए आया हूँ कि एक तो गाड़ी दिखानी थी वो मैं दिखा चुका हूँ, और दूसरा भाई अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो और आप चाहते हो कि डेली व्लॉग आए तो कमेंट में कर दो भाई डेली व्लॉग यस, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना है जितना हो सकता है। तो चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।